हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्ज़ी, जिसे घिया भी बोलते हैं। तो आजकल लौकी बहुत ही अच्छी आ रही है और सच बताऊँ लोग लौकी पसंद नहीं करते हैं, मुझे लौकी बहुत पसंद है। तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और सृष्टि स्कूल जा चुकी है, तो अभी मेरा टाइम हो रहा है यहाँ पर नाश्ते का। तो बस यहाँ पर मैंने घिया कुकर में बना रही हूँ ताकि कुकर में जल्दी से सीटी लग जाए और जल्दी से ये गल जाए। वैसे तो गल जाती है आजकल। और यहाँ पे देखिए थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बाकी के जो रात के धोए हुए थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं, कबर्ड के अंदर रख दिए हैं। बाकी सारे स्टैंड में भी मैंने सेट कर दिए हैं, बर्तनों को सारे सेट हो गए हैं। और थोड़े बहुत जो हैं वो मैं थोड़ी देर में धोऊंगी, नाश्ता वास्ता जब हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे सारे। तो बस इस तरीके से सुबह का काम होता है मेरा। और ये यहाँ पर मेरी आटा गूंदने वाली मशीन है, जिससे मैं जब मेरे हाथ में कभी कभी दर्द होता है तो मैं इसमें गूंद लेती हूँ, अच्छा गूंदता है इसमें भी। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन रखी है अपनी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ना आलू प्याज का जो स्टैंड है, अब मैंने सोचा था कबर्ड के अंदर रहेगा, लेकिन बाय गॉड यहाँ पे सब ने इसको अपना खुला धर्मशाला बना लिया घर वालों ने। ले पन्नियाँ भी इसके अंदर, आलू प्याज का वो भी इसके अंदर सारा ठूस के रख दिया, बिल्कुल गंदा करके रख दिया है। मतलब मैं परेशान हो गई देख देख के। तो मैंने सोचा आलू प्याज का स्टैंड बाहर निकाल के इस जगह पे रख दूँ और खुले भी रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो बस यहाँ पर इन्हें बुलाया मैंने, मैंने कहा ये स्टैंड बाहर निकाल देना थोड़ा, क्योंकि वो अटक रहा था। मैंने सोचा था इसके अंदर रहेगा तो ज़्यादा मतलब बाहर दिखता भी नहीं है और अच्छा भी लगता है, लेकिन सब ने, किसी ने उसके अंदर पन्नी, किसी ने सब्जी का थैला, जो जिसको मिलता है सोचते हैं कि यहाँ पे डाल दो। ये देखो क्या हालत कर रखी है, जितनी पन्नियाँ घर में आती है सब इसके अंदर डाल देते हैं, और पता है इसके अंदर कोई देखेगा तो है नहीं, तो इसके अंदर इतना गंद मचा के रखा हुआ है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी पर मैं टाइम नहीं मिल रहा था बस, तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी साथ के साथ साफ़ करूँगी पहले। तो बस मैं यहाँ पे अब मैंने सोचा सब्जी तो मेरी बन गई थी लौकी की, और मैं बस यहाँ पे आटा जो रखा हुआ था उसे बाहर निकाल दूँगी ताकि वो आटा सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे अनार छिलके रखे हुए हैं लेकिन मुझे खाने का मौका ही नहीं मिलता, और मेरे को क्या हो रहा था ना, स्टोन का पेन हो रहा था, मैं डर के मारे अनार खाए ही नहीं। मेरे को लगा अनार खाऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अनार में बीज होते हैं ना, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को बाद में दर्द करे। सारी फ्रिज में आप देख सकते हैं कितने डोंगे इकट्ठे हो रखे हैं, आटा, दूध और पता नहीं क्या क्या, कई बार तो बहुत सारे हो जाते हैं छोटे छोटे चीज़ें रख के ना। तो बस आटा निकाल के रख दिया, ठंडा हो जाएगा थोड़ा, मतलब ठंडा नहीं सॉरी, थोड़ा सा सही हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साफ़ करने के बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लिया अच्छे से, और जितने भी मेरी ऑयल की सीसी वगैरह थी वो मैंने यहाँ रख दिया, और तमीज़ से, बिल्कुल तमीज़ से जितने भी पन्नी थैला वगैरह थे वो यहाँ पे रख दिए मैंने, और जो मेरा आलू प्याज का स्टैंड था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है गैस के बगल में। और बस यहाँ पर मैं अब सारा काम करके हो गई फ्री, ये चले गए थे ऑफिस और लंच वंच दे के खा पी के सब फ्री हो गए हैं। और मेरे को अब टाइम मिला तो मैं नहा के आई, नहा के आके बस बाल तो छोटे से हो गए मेरे, तो मैं जल्दी से इनको साफ़ कर लेती हूँ, और बहुत इजी हो गए मेरे बाल अब तो। लेकिन अभी मेरे बाल पहले से थोड़े से लंबे हो गए हैं, और मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे भी हो जाते हैं, जितने जल्दी छोटे होते हैं उतने जल्दी लंबे भी हो जाते हैं, बस थोड़े से हल्के हैं। बस नहा के यहाँ पे मैं टॉवल से यहाँ पे अपने बालों को सुखा रही थी, मैंने कहा थोड़ा सुखा लेती हूँ बालों को। नहाने के बाद तो मतलब थोड़ा फ्रेशनेस सी हो जाती है, और काम भी जब निपट जाता है तो लगता है कि बस अब नहाना हमारा लास्ट स्टेप है, उसके बाद हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे बाल बाल सुखा के मैं अपना, अब तो मेरे बाल बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं क्योंकि अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, छोटे हो गए ना। बस नहाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने बालों को, अपनी जो फेवरेट काम है नहाने के बाद, जो मैं थोड़ा बहुत सिंदूर भरने का, जो मेरा बहुत ही मतलब हैबिट है सिंदूर और बिंदी और ये लिपस्टिक वगैरह, ये मैं नहाने के बाद ज़रूर ही करती हूँ, मतलब चाहे मैं वैसे ना करूँ लेकिन नहाने के बाद तो मुझे तुरंत करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को हल्का सा सुलझाया और मांग वांग निकाली अपने बालों पे, तो बस अब मैं वही सूखा सिंदूर भी मेरा ख़त्म होने पे आ गया, थोड़ा सा बचा था तो इसीलिए निकल नहीं रहा था उसके अंदर से। तो बस यहाँ पे मैं वही सिंदूर वगैरह लगा रही थी नहाने के बाद। मुझे ना मतलब जिस दिन अगर बाल भी धो लो तो मेरे को तो बहुत ज़रूरी होता है कि लगाना ही है, तो बस यहाँ पर मैंने सिंदूर विंदूर लगा लिया, सिंदूर लगाया, विंदूर नहीं लगाया, सिंदूर ही लगाया। तो बस यहाँ पर हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा ली है थोड़ी बहुत मेरे को शुरू। हेलो दगड़ियों, कंचो तुम ठीक ही वेला, तो मैं भी तुम तक सवाल पूछ रहा हूँ ठीक ही वेला। स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल सुनीता उत्तराखंड में।
बड़ो तिम्यान नमस्कार, छुट्टो तिम्यान ढेर सारा प्यार। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस मैं अब सारा काम वाम हो गया, मैं नहा धो के आ गई और जो मेरा नहाने के बाद का काम होता है थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप वो मैंने कर लिया है। और बस गर्मी भी बहुत हो रही है, नहाने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा, जबकि एसी भी चला ली है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा। मतलब पसीना तभी भी आया जा रहा है बस, है ना। तो बस अब मैं देखती हूँ कि हम दिन में अभी क्या खाते हैं। लंच में अभी लंच नहीं करा, तो लंच तक का था बस ये, क्योंकि अभी बस क्योंकि ना लाइट गई थी तो फिर मैंने सोचा नहा के करूँ क्या, क्योंकि इन्वर्टर खराब हो रहा था, पंखा चल नहीं रहा, तो नहाती फिर गर्मी हो जाती। फिर अभी लाइट आई तो अभी मैं नहाई हूँ, नहा के बस तैयार हुई हूँ। और अब मुझे नहा के तो नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मैं बीपी की दवाई जो खाती हूँ उसके बाद तो मुझे इतनी नींद आती है कि बस उसके बाद मैं झूमने लग जाती हूँ। मतलब जब तक मैं सो ना जाऊँ, अभी मेरी आँख ऐसी हो रही है बिल्कुल ही नींद के कारण। तो बस अब मैं देखती हूँ खाने में क्या खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई मैं दोबारा से किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं दिन में आज उपमा। और बहुत हल्का खाने का मन था तो हमने सोचा आज उपमा बना लेते हैं, और उपमा हमने बहुत दिन से खाया नहीं था तो मन भी कर रहा था खाने का। तो उसके लिए कड़ी पत्ते हमारे ये ऊपर गमले में हो रखे थे वो ले आए हैं, और यहाँ पर एक प्याज काट लिया है मैंने, और मूँगफली भी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची हुई है, और मुझे मूँगफली ज़्यादा पसंद भी नहीं है उपमा में। तो बस यहाँ पर मैं सूजी को पहले हल्का सा भून रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भूनना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने तड़का वगैरह सब कुछ लगा लिया है, तो इसको क्या दिखाना था, उपमा बनाना तो बहुत इजी है और सबको आता है, तो इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं बताई आपको, क्योंकि उपमा तो बहुत इजी है और सबको आता है। बस यहाँ पे मैंने मूंगफली जो हल्के से भून के, हल्के नहीं मतलब भून के जो रख लिए थे वो मैंने अब डाल दिए ऊपर, और बस। और मेरे को बहुत टेस्टी लगता है उपमा, और हल्का भी होता है और अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर बन गया उपमा और हम खाएँगे अब लंच में आज उपमा। और ये देखिए, ये मैंने प्लेट भी तैयार कर ली है, ये कम मूँगफली वाली मेरी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ यहाँ ब्रेक, और कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।